हाँ, बहुत सारी चीजों को इतना मल्टीटास्किंग करके मैनेज कर लेना। देखिए, पहले भी आप करते थे, लेकिन एक पॉपुलैरिटी के बाद अब आपको फिल्म भी मिली है, आपको गाना भी करना है, आपको अपनी डॉक्टरी के पैशन से भी प्यार है, तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है? है बहुत मुश्किल, कमर तोड़ मुश्किल है, बट जब तक कर पाऊंगी और जब तक करना है तब तक करना है। मुझे तो मरते दम तक ऐसी लाइफ चाहिए। लेकिन इस बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से ओवरशैडो, मतलब कहते हैं ना, ओवरशैडो कर रही हूँ और ओवरलुक कर रही हूँ, तो वो एक ड्रॉबैक है कि कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। मतलब अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना बाहर आके? क्या कुछ नहीं है। अप्रोच बात किया कर रहे हो? गया, मुझे अप्रोच किया गया काफी लोगों ने। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ मेन अप्रोच्ड मी, एंड जो जो मेरे बारे में शो में इतना बुरा बुरा बोला गया था कि यार इसको तो कोई लड़का नहीं मिलेगा, बदनसीब होगा जो इससे शादी करेगा, बच जाएगा यस कोई बंदा अगर इसकी शादी नहीं हुई तो। ओ माय गॉड, इतना खराब खराब, स्पेशली द यूट्यूबर्स एंड द सोशल मीडिया पीपल। आई हैव नेवर सीन द रियल प्रोफेशनल एक्टर्स इन द शो टॉकिंग सो ट्रैश एंड नेगेटिव अबाउट मी और एनीबडी, पर ये जो सोशल मीडिया वाले लोग थे ना, वो बहुत गंदा बोलते हैं यार, बहुत बुरा बोलते हैं। कैरेक्टर असैसिनेट और नेचर असैसिनेट जैसा ही हो गया ना। तो वो सुनने के बाद जब मैं घर से बाहर निकली और जब लड़कों की लाइन लग गई, तब तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है यार, इन इन्होंने तो बोला ना मेरा तो कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, एंड वॉट ऑल नॉनसेंस। बट मैंने तो देखा कि हिंदुस्तान की हर माँ के दिल में मेरी जगह बन चुकी है और हर लड़का मेरे पीछे, मतलब यू नो, इतना अफेक्शन जता रहा है, मेरा डीएम भरा पड़ा है। तो आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो बिग बॉस के घर में जो इमेज बनती है ना इंसान की, या कोई और बनाने की कोशिश कर रहा है ना फॉल्स नरेटिव दे के, वो सच नहीं होता है, वो बिल्कुल सच नहीं होता। सच्चा जो एक्चुअली जो रियलिटी है ना, वो घर के बाहर मिलती है। तो ट्रू आप सोशल मीडिया के धकोसले में या बिग बॉस के घर में आप पर होते हुए जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या डिफेमेशन होते हैं या फिर नरेटिव्स होते हैं ना, फॉल्स नरेटिव, उस पर ना जाए, उस पर ना जाए। ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगी, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा उनको उस घर में, औरों से भी। तो उस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए, सोशल मीडिया पर भी बिलीव मत कीजिए। निकली है बाहर लोगों के बीच, अपने आप को सरेआम वल्नरेबल रखिए और फिर देखिए क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या असली रिव्यू है, तब पता चलेगा आपको कि भाई क्या हो गया है, लाइफ बदल गई है।